iPhone 11 अगर आप 2024 या फिर 2025 के लिए प्लान कर रहे हो, फॉर वीडियोग्राफी अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो, शॉर्ट वीडियोस बनाते हो या फिर ज्यादा वीडियोस रिकॉर्ड करना पसंद करते हो, तो क्या अभी इसका कैमरा अच्छा है वीडियोस पर्पस के लिए या फिर अच्छा नहीं है, और फोटोज के लिए भी हम साथ में डिस्कस कर लेंगे। और वैसे तो टाइम है हमारा आईफोन 16 का, लेकिन आईफोन 11 अभी काफी कम प्राइस में मिल जाता है क्योंकि ये एक 4G फोन है और बहुत ही कम बजट में मिल जाता है सेकेंड हैंड रिफर्बिश, बस बैटरी चेंज करवाना पड़ती है अगर बैटरी हेल्थ खराब। और इस फोन का कैमरा जो है ना, वो अपने टाइम में बहुत ही तगड़ा कैमरा हम कह सकते हैं। अभी के हिसाब से भी देख लेते हैं कि कैसा कैमरा रिस्पॉन्स है इसका। लेकिन गाइस, वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक फ्री AI वेबसाइट बताने वाला हूं जो कि मेरे काफी काम में आती है और आपके काफी काम में आएगी। तो फिर ये है वो AI वेबसाइट poppop.ai। इस वेबसाइट पर आपको मल्टीपल फंक्शन मिल जाते हैं, जैसे AI टेक्स्ट टू स्पीच। अगर आप टेक्स्ट टू स्पीच यूज करना चाहते हो, आप टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी वॉइसेस आपको मिल जाएंगी, तो आप ऑनलाइन अपना फेस रिवील किए बिना कंटेंट बनाना चाहते हो तो वो आप इस वेबसाइट से फ्री में कर सकते हो। और दूसरी ऑप्शन मिल जाती है AI सॉन्ग कवर। बेसिकली आपने इंस्टा पर देखा होगा कि काफी सारे सॉन्ग्स होते हैं वो किसी और के वॉइस पे कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, तो उसी तरह से आप यहाँ पर फ्री में किसी और के वॉइस में सॉन्ग को कन्वर्ट कर सकते हो, फिर वो आपकी वॉइस क्यों ना हो। इसके अलावा थर्ड फीचर है AI साउंड इफेक्ट जनरेटर। ये काफी काम में आता है हम जैसे क्रिएटर्स के लिए। जैसे यहाँ पर मैं इसे ओपन कर देता हूँ, तो जैसे मैंने इसे ओपन किया तो यहाँ पर आपने प्रॉम्प्ट्स डालने और ये मल्टीपल लैंग्वेज में वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ फास्ट हार्ट बीट लिखते हैं और इसे मैं जनरेट कर देता हूँ। तो फिर अभी प्रोसेस शुरू हो चुकी है, बस थोड़ी देर में ये आपके लिए साउंड इफेक्ट जनरेट करके दे देगा। ऑलराइट, तो साउंड इफेक्ट जनरेट हो चुका है, मैं आपको सुना देता हूँ। तो हाँ, इस तरह से आप साउंड इफेक्ट भी जनरेट कर सकते हो यहाँ पर। और लास्ट एक बहुत ही पावरफुल टूल है इनका, जिसकी मदद से आप म्यूजिक में से वॉइस अलग कर सकते हो और इंस्ट्रूमेंटल अलग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक म्यूजिक हम अपलोड करते हैं, तो आप देख सकते हो ये वेबसाइट टोटली फ्री है और इतने सारे फीचर्स आप यूज कर सकते हो। इन फ्यूचर और भी फीचर्स यहाँ पर एड होने वाले हैं, तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप भी जरूर ट्राई करना। तो फिर गाइस, अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये आईफोन 11 के कैमरा से हो रही है, 4K 60fps। पहले हम ये कैमरा यूज कर रहे थे एक प्रोफेशनल कैमरा, जिसके साथ में हमने एक 1.4 अपर्चर वाला एक लेंस भी लगा के रखा था। तो इस कैमरा का जो प्राइस है वो अराउंड 1,20,000 के आसपास बन के आता है। और आईफोन 11 के साथ में अभी आपको कंपैरिजन पता लग जाएगा। देखो, अभी स्टूडियो की मेन लाइट्स ऑन है, बैकग्राउंड में RGB लाइट्स ऑन है और बाकी के लाइट्स बंद है। तो अभी आप देख सकते हो कि आपको नॉइस नजर में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, इससे आपको काफी अच्छे से आइडिया लग जाएगा। अगर आप इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो इनडोर में स्टूडियो लाइट में, तो आपको यहां से पता लग जाएगा कि ये आईफोन किस तरह की वीडियो क्वालिटी देता है 4K 60fps में। और अभी हम एक्सटर्नल माइक यूज कर रहे हैं, जो कि मैं पहले DSLR के साथ में यूज कर रहा था। अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज कर सकते हो तो आपको पता लग जाएगा कि आप किस तरह की आउटपुट इससे ले सकते हो। और अभी मैं एक्सटर्नल माइक हटाने वाला हूं और फोन ही का माइक यूज करेंगे और फिर देखते हैं कैसी आउटपुट देता है। तो माइक हमने हटा दिया है और अभी फोन का जो माइक है वो कैप्चर कर रहा है ऑडियो को। तो अभी डिफरेंस कैसा लग रहा है उसका आइडिया आपको लग जाएगा। बेसिकली अगर आपने बिना माइक के वीडियो रिकॉर्ड करनी है, आपने ब्लॉगिंग करनी है, तो कैसी आउटपुट देगा उसका आइडिया आपको यहाँ पर लग जाएगा। तो अभी गाइस मैं फ्रंट कैमरा यूज कर रहा हूँ, तो इतना तो क्लियर हो गया है कि आपको एक एक्सटर्नल माइक यूज करना पड़ेगा अगर आप अच्छी ऑडियो क्वालिटी चाहते हो, क्योंकि जो इंटरनल माइक दे के रखा है आईफोन 11 का, अगर थोड़ा डिस्टेंस है तो उतनी सही ऑडियो नहीं आती है। और रूम के अंदर आप शूट कर रहे हो वीडियो, तो वहां पर एको हो सकता है उस वजह से। और अभी हम आउटडोर चलते हैं, आउटडोर में थोड़ी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद लो लाइट परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे। तो गाइस, अभी हम आउटडोर में शूट कर रहे हैं और इस फोन में एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी देगा रखा है। और अभी मैं माइक यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया माइक का। और अभी जो वेदर है वो भी बता देता हूँ, थोड़े बादल हैं। ऐसी लाइटिंग में देखो, मैं तो देख पा रहा हूँ, मुझे ये जो फोन है ना काफी नेचुरल रियलिस्टिक साइज दिखा रहा है, बस ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क दिखा रहा है और आंखों से थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है। बाकी जब आप अल्ट्रा वाइड लेंस पे होते हो, तो मैं आपको मैक्स जूम करके दिखा देता हूँ। मैक्स जूम आप 1.5x तक कर सकते हो, तो अल्ट्रा वाइड रेंज तो काफी बढ़िया है। यहाँ पर आप देख सकते हो अल्ट्रा वाइड में आप ब्लॉगिंग काफी अच्छे से कर सकते हो, मतलब फुल बढ़िया वीडियो बन जाएगी आपके। और अभी तक फ़ोन हमारा हीट भी नहीं हुआ है, तो 10 मिनट हो गए हमें इस फोन का कैमरा यूज़ करते हुए। और अभी मैं मेन कैमरा लेंस से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1x में, और 4K 60fps हम यूज़ करें। मैक्स जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैक्स जूम जाता है इसका 3x, और 3x पर थोड़ी सी नॉइस रहती है। अभी वीडियो स्टेबलाइजेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, भागो मेरे भाई।
गाइस वीडियो स्टेबलाइजेशन इसकी अच्छी है, बट यू नो इससे आगे वाले मॉडल्स जितनी अच्छी नहीं है, बट हाँ ठीक है। और बाकी एक चीज और है इस डिवाइस में, जैसे आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो डायनेमिक रेंज इसकी अच्छी नहीं है, जैसे बैक साइड में क्लाउड्स है लेकिन वो अच्छे से नहीं दिख रहे हमें, तो यहाँ पर मैं फोकस करूंगा। तो अब यहाँ पर बैक साइड में जो क्लाउड्स है वो दिखाई दे रहे हैं, तो ये है थोड़ा डायनेमिक रेंज इस फोन की उतनी अच्छी नहीं है। और रही बात फोकस की, तो फोकस ये काफी फास्ट कर लेता है, ये आप देख सकते हो फोकस ये कर लेता है, फास्ट है रिस्पॉन्स। और ये मैं आपको एक कंपैरिजन दिखा रहा हूँ जो कि आईफोन 16 के साथ में आईफोन 11 का, तो 2x जूम करके दिखा देता हूँ, इतना कुछ कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा वीडियो क्वालिटी में आईफोन 16 और आईफोन 11 का। अभी गाइस लो लाइट में है हम इंडोर, तो अभी आपको लो लाइट क्वालिटी का पता लग जाएगा इस फोन के कैमरा का। तो लो लाइट में कुछ ऐसी आउटपुट देता है, हमने जो स्टूडियो लाइट्स है वो बंद रखी हैं और बाकी ये लाइट्स जो है ना वो भी बंद है, सिर्फ एक ये रिंग लाइट ऑन है जिसका फेस दूसरी साइड है। तो कम लाइटिंग कंडीशन में 4K 60fps पर कुछ ऐसी आउटपुट ये दे देता है। और अब मैं आपको कुछ फोटो सैंपल भी दिखा देता हूँ, आप उन्हें भी देख लो। और ये फ्रंट कैमरा की आउटपुट है, तो फ्रंट कैमरा में तो मैं देख पा रहा हूँ काफी नॉइस बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है, तो कुछ ऐसी आउटपुट दे देता है। और कैमरा ऐप के अंदर यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है और 1x जो मेन लेंस है वो मिलता है, स्लोमो में आप वीडियो बना सकते हो और टाइम लैप्स आप बना सकते हो। इस फोन में आपको सिनेमैटिक मोड नहीं मिलेगा, फोटोज है, पोर्ट्रेट है और पैनोरामा मोड दे के रखा है। और वीडियोग्राफी के लिए आप 4K HD और 4K में आप 24fps, 25fps, 30fps और 60fps में वीडियो बना सकते हो, और ये सारी ऑप्शंस मिलते हैं। और सारे कैमरास यहाँ पर 12 और 12 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाता है। अब गाइस लास्ट में कंक्लूजन की बात करें तो देखो इस फोन की थोड़ी डायनेमिक रेंज मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन 4K 60fps में आप वीडियोस बना सकते हो वो काफी अच्छी बात है। और लो लाइट परफॉर्मेंस उसकी आज के लेटेस्ट आईफोन के कंपैरिजन में उतनी सही तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी काम चल पड़ता है। लो लाइट फोटोग्राफी भी अच्छी खासी आप कर सकते हो और वीडियोग्राफी में ठीक कहूंगा काम चल पड़ेगा, ब्लॉगिंग वगैरह करनी है आपने तो वो आप कर लोगे इजिली। और वीडियो एडिटिंग में आजकल बहुत सारे AI टूल्स आते हैं, उनकी मदद से आप जो नॉइस उसे रिमूव कर सकते हो। टेक्निकली देखा जाए तो फोन अगर आप अभी परचेज करते हो वीडियोग्राफी के लिए तो आईफोन 11 एक अच्छा डिवाइस है। और एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है बैटरी बैकअप को लेकर, क्योंकि जब आप 4K 60fps पर वीडियो बनाते हो ना तो बहुत जल्दी ये बैटरी ड्रॉप करता है, लेकिन हाँ ये फोन आईफोन 12 और 13 की कंपैरिजन में कम हीट होता है वीडियोग्राफी के टाइम। तो ओवरऑल कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहेगा आपका और वीडियोग्राफी। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या आप अभी भी आईफोन 11 को लेना चाहते हो या फिर नहीं, क्या लगता है आपको इस बारे में, या फिर आप इसकी जगह किसी एंड्रॉइड फोन की तरफ जाना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये थी हमारे आज की वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।